तो इधर दूसरी तरफ मथुरा के घाटों पर जगमग लाइटिंग के साथ करीब 5 लाख दिए जलाने की तैयारी है। देव दीपावली को लेकर मथुरा के जिलाधिकारी ने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ नगर आयुक्त सहित तमाम आला अधिकारियों ने घाटों का निरीक्षण किया, जहां देव दीपावली को लेकर जिलाधिकारियों ने तैयारियों के बारे में जानकारी दी। तो वहीं दूसरी तरफ आने वाले भविष्य में घाटों के फंदीकरण और रखरखाव के बारे में भी चर्चा की। तो सरकार की मंशा को कहीं ना कहीं अब अमली जामा पहनाने की तैयारी है। देव दीपावली पर अयोध्या की तर्ज पर यहां पर भी करीब 5 लाख दिए जलाए जाने की तैयारी है। देव दीपावली का कल पर्व शाम को मनाया जाना है और इस पर्व का बहुत महत्व होता है। हमारे सभी इष्ट और देव माना जाता है इस दिन आशीर्वाद देने के लिए घाटों पर विराजमान होते हैं। इसको लेके कल बैठक भी करी गई थी और कई संस्थाओं को इससे जोड़ा गया है, कई प्रबुद्ध जनों को यहाँ जोड़ा गया है, स्कूली बच्चों को इस जोड़ा गया है। और ये जो 25 घाट हैं मथुरा के, आज उनका भौतिक निरीक्षण भी करा गया। इन घाटों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, देव दीपावली के दिन सुंदर इसमें साज सज्जा हो, और देव दीपावली के बाद भी कई घाट ऐसे हैं जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है। कई आपके विशेष यह है कि वृंदावन में हो रहा है, जो केसी घाट तो यमुना किनारे, बाकी घाट जो पीछे चले गए, लेकिन वो प्रयास हो रहा है कि उन घाटों पर भी ये विशेष उत्सव होगा, इससे भक्तता से वहाँ के लोग भी उसमें शामिल होकर के और तीर्थ की शोभा बढ़ाए। डीएम साहब, इस समय मौजूद है मथुरा के विश्राम घाट पर। हम आपको बता दें कि 5 लाख दीपक को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, जहां मथुरा के 25 घाटों पर दीपक जलाए जाएंगे। यहां उत्तर प्रदेश सरकार के जो पर्यटन पर ध्यान दिया जा रहा है ब्रज के लिए, वो बहुत ही तेजी से दिया जा रहा है। वहीं मथुरा जनपद के सभी अधिकारियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज नगर आयुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी महोदय द्वारा घाटों का निरीक्षण किया गया, जहां मथुरा के सभी घाटों को एकदम तैयार कर दिया जाता है, जाकि को कल 5 लाख दीपकों की जो तैयारी हो।